सकते हो, डिज्नी है, बेनेटन है, वो सब भी कर सकते हो, लेकिन उनके रेट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। बट यहाँ पे जो है बहुत कुछ डिस्काउंट में मिलता है प्राइमार्क में। मैं द ग्रेट ब्रिटेन इतने दिन से यहाँ पर हूँ, इंडिया की दो चीजें मिस कर रहा हूँ, एक छोले भटूरे और दूसरा हॉर्न। कोई हॉर्न नहीं बजाता यहाँ पर, भी जाम लगता है, यहाँ पर भी लोग ओवरटेक करते हैं बट विदाउट हॉर्न। बजाओ यार कोई तो हॉर्न बजाओ। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है रॉयल एल्बर्ट हॉल। नुसरत फतेह अली खान जब भी आते थे यहाँ पर परफॉर्म करते थे लंदन में। लग रहा है कि सड़कों में घूमते रहो और हवा से बातें करते रहो। और भाई क्या हाल है दोस्तों, क्या हो रहा है, टफरी उफरी हो रही है नहीं, या ऐसे ही टाइम गुजर रहा है, जिंदगी जी रहे हो ना, जिंदगी जी रही है, देख लो भाई जी लो जिंदगी। अच्छा चलो, मैं अभी यूके में हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं नाइट में कुछ बनाऊंगा ब्लॉग्स, तो मैं ये एक नाइट ब्लॉग बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये कैमरा में ठीक आ सके तो। मैं ये भी जैसा आपने शुरू में देखा होगा, ये प्राइमार्क का एक बहुत बड़ा शोरूम है, जैसे हमारे इधर विशाल मेगा मार्ट और इस तरह के शोरूम है, ऐसी प्राइमार्क करके एक शोरूम है और ये बेस्ट जगह है आपकी शॉपिंग के लिए। ये देखो, अभी यहाँ पर जब मैंने एक सामान खरीदा तो मुझे यहाँ पर एक काउंटर पर जो थी वो इंडियन थी और शी वॉज वेरी नाइस, और उन्होंने बहुत नाइसली मुझे जो है ट्रीट किया, उन्होंने देख लिया कि मैं इंडियन हूँ और उन्होंने बहुत नाइस मेरे को ट्रीट किया। और लेकिन ये वो एक अलग बात है कि उनका जो भी ट्रीटमेंट था वो बहुत अच्छा था अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ, इंडिया के लोगों के साथ बेसिकली। लेकिन ये जगह मैं इसलिए प्रेफर करूँगा आप लोगों को कि यहाँ पर सारे ब्रांड्स हैं, सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं, अगर आप चाहो तो ग्लोबल ब्रांड की भी शॉपिंग कर सकते हो, डिज्नी है, बेनेटन है, वो सब भी कर सकते हो, लेकिन उनके रेट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। बट यहाँ पे जो है बहुत कुछ डिस्काउंट में मिलता है प्राइमार्क में। ये आप ठीक मेरे पीछे वो शोरूम देख रहे हो, पूरा शोरूम है, ये तीन चार बिल्डिंग्स का देखो आगे तक है, ये तीन चार बिल्डिंग्स का बन के एक वो बनाया है इन्होंने शोरूम। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्लोथ से लेके जितना टॉयलेटरी आइटम्स हैं जो भी वो सब यहाँ पर मिलती है, और बहुत यूनिक कलेक्शंस है, मतलब हर चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो। सेक्शंस है, बच्चों का सेक्शन अलग है, बड़ों का सेक्शन अलग है, और क्या कहते हैं, लेडीज सेक्शन अलग है, जेंट्स सेक्शन अलग है, तो जो भी आपको लगे कि आपको करना चाहिए तो वो आप चाहो तो यहाँ से वो कलेक्शन ले सकते हो। और अभी मैं नाइट के कुछ ब्लॉग बनाऊँगा। ये प्राइमार्क जो है सबसे बेस्ट जगह है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर है ये, और यहाँ पर ये वही सेंट्रल लंदन है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास पड़ेगा, और यहाँ पे वैसे तो सारा कुछ वॉकिंग है, एक जगह से दूसरी जगह पर आप जाते हो जो मैंने चीज़ें दिखाई है आपको, लेकिन आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे आपको जो है ना बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। तो कोशिश करो कि जब भी अगर यहाँ पे आना हो आपका यूके में तो प्राइमार्क में आओ, प्राइमार्क एक बेस्ट जगह है शॉपिंग के लिए, आप यहाँ पे जो भी सामान मर्जी लो, और काफ़ी मतलब एक पाउंड, दो पाउंड, तीन पाउंड, चार पाउंड, पाँच पाउंड की अच्छी अच्छी थ्री पीस में ड्रेसिस वगैरह वो सब अवेलेबल है यहाँ पर, मतलब पाँच पाउंड का मतलब ये हो गया कि 500 रुपये,
एक पाउंड का मतलब हो गया 100 रुपये, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर यही है अभी के लिए, तो ये वाला छोटा सा ब्लॉग एक और आपके लिए मैंने बनाया था। तो 360 लेंगे, अपना नारा लगाएंगे, और जो इंडियन मुझे मिली थी मैं उनकी भी बात बता देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि अरे इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ बट मैं कभी इंडिया गई नहीं, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला। और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ और मैं राजस्थान घूमना चाहती हूँ, उनके फादर जो है वो इंडिया से ही है, तो इसलिए वो हिंदी भी जानती थी और उनके फीचर्स भी इंडियन टाइप के थे। तो बस मैं यही बोलूँगा कि यार अब यहाँ पर आओ और प्राइम मार्क में ज़रूर आओ, मतलब प्राइम मार्क मिस मत करो। जो लोग यूके कभी आए हैं, जो देख रहे हैं या जो यूके आना चाहते हैं, वो प्राइम मार्क के बारे में जानकारी आए, मतलब उनका वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ पर देख कर आ सकते हो। तो हम 360 लेंगे वापस और अपना एक 360 लेके, ये नाइट का यूके है, यूके नाइट, और फिर अपना हम नारा लगाएंगे ये प्राइम मार्क के ठीक पीछे। अब हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।